अब डीमन आन्या को अभी तक का सबसे कठिन और नामुमकिन काम देता है। वो उसे वहाँ मौजूद पत्थरों से रात भर के अंदर उसके लिए एक शानदार महल तैयार करने को कहता है। भोली आन्या काम तो शुरू करती है लेकिन वो एक पत्थर तक नहीं हिला पाती। अब सफेद शेर वहाँ प्रकट होता है। वो आन्या से कहता है कि तुम चिंता मत करो और बस आराम से सो जाओ। शेर की बात मानकर आन्या चुपचाप सो जाती है। अब अगली सुबह डीमन वहाँ आता है। वो देखकर हैरान हो जाता है कि कैसे आन्या ने रात भर में इतना बड़ा और सुंदर महल बना डाला। अब वो आन्या को लेकर महल के अंदर जाता है। वो उसे जंजीर से बांध देता है। वो मेज पर खाने बैठ जाता है और आन्या से शराब लाने को कहता है लेकिन वो तो जंजीर से बंधी थी। अब डीमन खुद जाता है शराब लेने लेकिन वो एक अंधेरी खाई में गिर जाता है। तभी सफेद शेर वहाँ प्रकट होता है। आन्या उसे बताती है कि डीमन मुसीबत में है, हमें उसे बचाना होगा। लेकिन शेर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो इसी का हकदार था। अब आन्या उस महल में खुशी से रहने लगती है लेकिन अब उसे तलाश है एक सच्चे जीवन साथी की। कई राजकुमार उसे देखने आते हैं लेकिन आन्या का दिल किसी पर भी नहीं आता। अब वो पहली बार अपने महल के मालिक को देखती है। उसे देखते ही वो दिल दे बैठती है। अब दोनों शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। दूल्हा कपड़े और जूते बनवाने शहर जाता है। आन्या उसका इंतजार करते रह जाती है लेकिन वो नहीं आता। कहीं दूल्हे के गायब होने के पीछे किसी पापा की परी का तो